कारोबारी विजय माल्या के लिए लंदन में भी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार एक स्विस बैंक से लिए करोड़ों पाउंड्स के कर्ज को ना चुका पाने के कारण बैंक अब उनको उनके लंदन स्थित आलिशान घर से बेदखल करने की तैयारी में है। इससे बचने के लिए माल्या ने ब्रिटिश अदालत में अर्जी दाखिल भी की थी, लेकिन मंगलवार यानी 18 जनवरी को अदालत ने माल्या की याचिका खारिज कर दी है। इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक लंदन हाईकोर्ट के चांसरी डिविजन के जज मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि या तो माल्या इस प्रॉपर्टी का पेमेंट कर दे, अन्यथा माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। माल्या को इस स्विस बैंक UBS को 2,04,00,000 पाउंड यानी करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लौटाना है। फिलहाल माल्या के लंदन स्थित इस घर में उनकी 95 साल की माँ ललिता माल्या भी रहती हैं। मामले की सुनवाई कर रहे जज मैथ्यू मार्श ने फैसला सुनाते हुए कहा, माल्या के लंदन स्थित कॉर्नवॉल टेरेस अपार्टमेंट की कीमत करोड़ों पाउंड्स की है। हम माल्या को कर्ज चुकाने का और समय नहीं दे सकते। अदालत माल्या को स्टे देने से इनकार करती है और इस फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने से भी इनकार करती है। अदालत के इस फैसले के बाद अब UBS बैंक के लिए कार्रवाई करने के सारे रास्ते खुल गए हैं। वहीं इस मामले में माल्या के वकील डैनियल मार्गुलेन का कहना है कि अदालत के इस फैसले से उनके क्लाइंट माल्या की बुजुर्ग माँ को काफी तकलीफ उठानी पड़ सकती है, क्योंकि अभी वही उस घर में रह रही हैं। दरअसल माल्या ने ये लोन UBS बैंक से अपनी रोज कैपिटल वेंचर्स के नाम उठाया था। समय पर लोन ना चुकाने के कारण बैंक ने माल्या के इस घर को खाली कराने के आदेश दे दिए ताकि लोन की रकम चुकाई जा सके, जिसके बाद माल्या ने अदालत का रुख किया, लोन चुकाने के लिए थोड़े समय की मांग की। इस मामले में मई 2019 में जज साइमन बार्कर ने माल्या परिवार को स्विस बैंक UBS का लोन चुकाने के लिए 30 अप्रैल 2020 तक का समय दिया था। इसके बाद कोविड महामारी के चलते माल्या को एक्स्ट्रा टाइम भी मिला था, लेकिन माल्या ने लोन नहीं चुकाया, जिसके बाद UBS बैंक ने पिछले साल अक्टूबर में उनके लंदन वाले घर को खाली करने का आदेश दे दिया। माल्या के बेटे सिद्धार्थ और माँ ललिता के पास लंदन के इस आलिशान घर का मालिकाना हक है। माल्या मार्च 2016 में भारत से ब्रिटेन भाग गया था। 9000 करोड़ रुपए के कर्ज की हेराफेरी के मामले में भारत में वांटेड है। ये कर्ज किंगफिशर एयरलाइंस को कई बैंकों ने दिए थे। 65 साल के माल्या ब्रिटेन में फिलहाल जमानत पर है। ऐसा समझा जाता है कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया से जुड़े एक अलग मामले में देश में शरण देने के मुद्दे पर गोपनीय कानूनी कार्रवाई का समाधान होने तक वे जमानत पर रह सकता है। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप।